समझते। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय। परम पूज्य संत शरण्य आचार्य गण विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, आप लोग ध्यान से इन क्षणों का उपयोग करेंगे। सिंह से सब लोग स्वभाव, उसके स्वभाव से परिचित हैं, सुन करके, पढ़ करके या दूर से देख करके, पास जाने का कोई साहस नहीं कर सकता। अब पास जाकर के दो व्यक्ति उसको सिखाता है, पढ़ाता है और समझाता है, उसको आपको देखना है भी। पहले सर्कस वगैरह होते थे, आते थे, अब आजकल उसका प्रचलन कम हुआ। तो सब लोग बाहर बैठे हैं अपने अपने स्थानों में सुरक्षित, और बीच में एक खेल होता, तो उसमें से पिंजरे में से एक सिंह को बाहर आने का संकेत मिलता है। और वह अपना भी परिचय देता हुआ बाहर आता है। उसका परिचय क्या, उसने ऐसा दहाड़ दिया सर्कस में जितने भी बैठे थे, भैया इधर आ जाए तो क्या होगा। फिर इसके उपरांत वो संयत हुआ, क्योंकि उसको इतना ही प्रशिक्षण में बताया, जब बाहर आते हो तुम अपना परिचय दिया करो। फिर उसके पास वो रिंग मास्टर जिसको बोलते हैं, शिक्षक है, उसे प्रशिक्षण देता है, वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो सब लोगों को लगने लगा, ये अब एक खूंखार संघ के सामने ये कैसा जा रहा है। एक हाथ में उसके पास चाबुक है और एक हाथ में वह जैसे आप धूप आरती करते हैं ना, ऐसे इंगान है और उसमें थोड़े से धूप वगैरह खेलता। अब थोड़े से वह मान लो इस ओर देखता है, उसको ये दिखाया जाता है। दिखाए जाते ही वह पीछे दो तीन कदम हो जाता है। इस प्रकार उसको इस डर से अवगत कराने से हरेक को सुख चाहे दुखते बोलो आगे भयवंत। सुख तो चाहता है किंतु दुख नहीं चाहता है। दुख आते ही प्रत्येक प्राणी भयवंत होता है। यदि वह अभयवंत होता है तो उसके लिए कई लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप को समझता है वह इस प्रकार डरेगा नहीं। और डरने से वह घटना कभी छूटती भी नहीं, यह विश्वास सबको होना चाहिए। आप आत्मा के स्वरूप से अपरिचित होने के कारण
छोटी छोटी बातों पर डरते रहते हो, मरण की नाम सुनते ही डर उत्पन्न हो जाता है और मरण निश्चित है, और मरण निश्चित है। अब कहीं भी जाओ मरण तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब कभी भी वो आता नहीं, आता है तो खाली जाता नहीं, आपको लेकर के जाएगा, ये उसका वायदा है। हम जब कभी नहीं आएंगे, कारण मिला हम वहीं पर उपस्थित रहेंगे। आप जल में भी जाओ, भीतर बैठ जाओ, सुरक्षित बैठ जाओ, नहीं, वहां पर भी मेरा प्रवेश है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो देश में यत्र तत्र गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन जिस राज्य की आपको अनुमति मिली है जाने आने की, उसी में परमिट, उसी में आप जाते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। किंतु ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं अपने वाहनों को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घुमा सकते हैं, क्यों उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उस मृत्यु के कारण हम जो डरते हैं वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम्, जो उत्पन्न होता है उसका मरण भी निश्चित होता है। इसलिए हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में डर भय से मुक्त होना भी अनिवार्य बताया है। अस्मयम, स्मय का अर्थ होता है मद, और एक प्रकार से वह मद से रहित जिस प्रकार होता है उसी प्रकार डर से भी मुक्त होता है, तब कहीं जाकर के मुक्ति जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब वह और पास जाता है, और पास जाता है, उस धूपार्थी को वह भूलता नहीं, वो साथ लेकर के जाता है। इस प्रकार उसको काबू में रखने के लिए यह एक कारण होता है, क्योंकि वह अग्नि से बहुत डरता है। लेकिन अग्नि से डरने मात्र से कुछ नहीं होता, आपको अन्न तैयार करना है तो वह अग्नि से ही उत्पन्न होता है, अग्नि से ही प्राप्त होता है। इसलिए आग को अपने हाथ में रखते हुए भी, पास रखते हुए भी, उससे डरते हुए भी काम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार भय कभी भी लग सकता है, लेकिन स्वरूप समझेंगे तो वह मृत्यु आपके पास नहीं आ सकते। मृत्यु से डरने का अर्थ क्या होता है, वह जड़ है, एक कर्म है, हमारे द्वारा भाव किया उसके फल स्वरूप वह चिपका है, और वह अवश्य एक दिन जाएगा। जब गोंद की चिकनाहट कम होती है, जो वस्तु चिपकाई गई है वो अपने आप ही पृथक हो जाती है। उसी प्रकार ये खेल है, इस खेल को समझने वाला व्यक्ति उस सिंह से नहीं डरता और वो पास गया। फिर इसके उपरांत उसको कहा, आप अपने जबान दिखाओ, तो उसने यूं करके जब जबाई आती है ना आप लोगों को, उस समय आपका मुख भी क्या नहीं खुलता, खुलता है, लेकिन यदि मान लो बंद करना आप भूल गए तो भूल क्या होगा, नहीं भूलते नहीं महाराज, बहुत आप तना देंगे उसको तो नहीं, नीचे नहीं आएगा। उसी प्रकार उसको कहा, हम यूं करते ही उसने अपनी जबान खोल दिया, सारे सारे लोग देख लिया अभी क्या हो रहा है। अब इसके उपरांत उसको सामने आ जाओ, और सामने आ जाओ, और सामने आ जाओ, पूरा सामने आ गया, और शेर का मुख कैसा है,
खुला हुआ है। अब उसके मुख में ये अपना गर्वन फंसाता है, सुन रहे हो? हाँ, गर्वन फंसाता है। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, लेकिन उस सिंह को इससे कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको ये मालूम है ये डराता भी है तो हमारे लिए भोजन भी देता है। परस्पर उपक्रो जीवानाम, जीव के ऊपर आप उपकार करते हैं तो वह उस उपकार का फल इस प्रकार मिल सकता है। क्रूर से क्रूर भी सिंह उसको बचाता है, क्योंकि एक तो इधर देखता है तो डरता है मृत्यु न हो जाए, उसके हाथ में मेरा जीवन है, और एक तरफ वह अपने स्वभाव को भी भूल करके उसको भी बचाता है, स्वयं बचता है और दूसरे को भी बचाता है। और आप लोग दूसरे के धन को पचाते हो, नहीं पचाते, और बाद में डकार भी लेते हो, लेकिन फिर भी दान को आप भूलते नहीं, क्योंकि दान देने से वह धन बढ़ता है। वर्षा ऊपर से होती है, फसल ऊपर बढ़ करके पक जाती है। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि यद्यपि अर्थ पुरुषार्थ में थोड़ी चोरी झूठ बोलना तो होता ही है, महाराज ये तो होता ही रहता, तो उसको दूर करने के लिए दान भी बताया जाता है। तो दान के माध्यम से वह एक प्रकार से अभयदान दिया है उस सिंह को, उसने अभी तक मारा नहीं, लेकिन मारने के साधन उसके दोनों हाथों में विद्यमान है, लेकिन फिर भी उसके गले में दबाड़ में इन्होंने अपने गर्दन दी है। इसमें कभी कभी धोखा भी हो सकता है, लेकिन धोखा इसलिए नहीं होता तब तक जब तक अविश्वास प्राप्त नहीं होता। जब अविश्वास नहीं होता है तो धोखा तीन काल में होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। आप एक दूसरे से डरते हो, क्या पता ये कौन है, हमें लूट ले तो क्या करेंगे हम, नहीं समझे, इसलिए हाथ में कुछ न कुछ तो उपाय अपनी रक्षा के रखते हैं। तो यह जब सब लोगों ने देखा, दो तीन मिनट तक यह गर्दन वहीं पर रही और वह ऊपर से जबाड़ बंद करने में देर क्या था, बंद हो नहीं सकता जब तक उसका संकेत नहीं मिलेगा बंद होने का, तब तक ये जबाड़ वैसे को वैसे खुला रह गया। यह हमने सर्कस में देखा था, इसलिए आप लोगों को बताया, सही है ना? चलता फिरता आता है, एक तो तुम साथ रहते हैं एक स्थान पर, और एक चलते फिरते भी आते, सर्कस भी आते थे वो। अब इससे हमने पाठ लिया, किसी भी हिंसक पशु पक्षी के लिए हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण देने से पूर्व में हमें भय के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और जो सामने वाला है उसके प्रति हमारा ऐसा भाव रहना चाहिए कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ये विश्वास रखो। कोई पाठशाला नहीं खुली है यहाँ पर, किंतु
यह दोनों अपने में इस प्रकार सुशिक्षित हो जाते हैं, एक दूसरे को देख करके भी आप लोग जय जिनेन्द्र कहते हैं, तो वो भी कहता है कि मैं भी इंद्र हूँ। नहीं समझे, हमारे साथ भी आप जय जिनेन्द्र किया करो, इंद्र हूँ मैं, पशुओं का राजा हूँ मैं। आप राजा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हम तो राजा है। राजा जो है एकदम किसी का भक्षण नहीं करता, मनुष्य तो सब कुछ खा लेता है, पत्या पत्य सब कुछ उड़ जाता, पच जाता है महाराज। ज्वाला मुखी है आपके पेट में, ये भूकंप है क्या है, सब पच जाता है। बिल्कुल, इसकी जठराग्नि तेज है, इसलिए यह यदि ज्यादा पाप कर लेता है तो अंतिम छोर तक नरक तो भी पहुंच जाता है, और यदि पुण्य का अर्जन करता है सर्वसिद्धि तक जाता है और पूरा समाप्त करता है तो मोक्ष को भी जाता है। आपने सुन लिया, अपने बहुमूल्य 15 मिनट दिए, क्यों सुनो, परस्पर उपग्रह जीवाराम का है। आप प्रवचन सुने, ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होता है। महाराज ने आज क्या कहा, शंख की कथा कही थी, कथा नहीं याद रखो, हमने दृश्य देखा था वो आपके सामने रखा, आपने ये सुना है देखा है तो स्मरण लाया करो। सिंह भी अहिंसा बन सकता है आपके कारण, और आप भी उसके प्रति यदि मैत्री भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं और उसके ऊपर उपकार के भाव रखते हैं, भय नहीं दिखाते हैं, तो अवश्य आपका वह मित्र बन सकता है। वहां पर मित्र बन करके सभी को स्थान मिलेगा, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं मैं बड़ा हूं छोटा हूं, सब समान। ऐसे शुद्धत्व के दरबार में आपको जाना है क्या, जाना है? इससे सिंह से थोड़ा सीख लो, प्रशिक्षण ले लो, अहिंसा परमो धर्म की।